नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों, आज हम बॉयल आलू से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाने वाले हैं आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते और देखते इसको मैंने किस तरह से बनाया। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने दो आलू बॉयल करके और इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हमने इसमें सबसे पहले कसूरी मेथी को थोड़ा सा गरम करके और इसमें मैश करके डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से हम मैश करके एक आटे की तरह डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करिए, जितना आपके आलू में लगता है उस हिसाब से आप करिए और अच्छी तरह से इसको एक डो के फॉर्म में आप तैयार कर लीजिए। जिस तरह से रोटी के लिए हम डो लगाते हैं आटा, सेम तरीके से इसको करना है। तो अच्छी तरह से हमने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और अच्छी तरह से इसको मसल के हम एक आटे के फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे एक चकला और बेलन और उसके बाद एक हमने जिपलॉक बैग लिया है। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन इस तरह का ले सकते हैं, चाहे नमकीन का पैकेट आता है उसको भी आप लेके कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़े से आसानी से हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा बेलन से एक बराबर करेंगे और उसके बाद इसको जब हम पूरे अच्छे से इस तरह से फैलाएंगे तो ये बड़े अच्छे से पूरा एक शेप में एक बराबर आ जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से पहले पूरे पॉलीथीन में फैला देंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक बराबर आपका ये तैयार होगा और जब इसमें आप बेलन से इसको बराबर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से चौकोर सा एक फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा और आपका बिल्कुल भी आटा कहीं से वेस्ट नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से हल्के हाथों से इसको दबा के बराबर करना है ताकि ये एक बराबर से आए। तो इधर से हमने थोड़ा सा जो उसका बंद था मुंह, उसको हमने खोल दिया है क्योंकि इसमें एयर हो रहा था, तो उस हिस्से को हमने खोल दिया है और बाकी हम इसको बराबर से कर रहे हैं। तो इधर से थोड़ा सा बाहर निकल आया है, उसको हम कट करके निकाल देंगे और बाकी हमारा जो ये नाश्ता है ये बिल्कुल एक शेप में बनेगा। तो अब देखिए, इसको हमने अच्छे से बराबर से बेल लिया है। अब इस पॉलीथीन को हम कट करके निकाल देंगे। तो पहले हमने जो हिस्सा एक्स्ट्रा था उसको पहले हमने कट करके निकाल दिया है, उसके बाद हम पॉलीथीन को कट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप सावधानी से करें क्योंकि जब इस साइड साइड से हम कट लगा देंगे तो ये बड़े आसानी से फट जाता है, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। इधर इसी तरह से हम दोनों तरफ साइड से कट लगा के और धीरे धीरे इसको हम इस तरह से खोल देंगे तो बिल्कुल ये अच्छे से खुल जाएगा। देखिए, उसके बाद हम इसको एक बराबर से कट करेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है कि आपका पूरा नाश्ता एक शेप में तैयार होता है। तो इसलिए ये तरकीब हमने बताया है कि जब आप इसको बेल कर बनाएं तो ये तरीका सबसे बेहतर है। अब इसको आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हमने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और उसको हम कट करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से एक बराबर कट के तैयार हुआ है ये। अब चलिए हम तेल रख देते हैं गरम होने को और जब हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमने देखिए तेल गरम कर लिया है और अब एक एक करके इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, क्योंकि अगर आप फ्लेम तेज़ रखते हैं तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को फ्राई करें तो आप फ्लेम को मीडियम ही रखें। अब सारे हमने देखिए डाल दिए हैं और अब इसको हम पलट के और दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसको आप चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम इसी तरह से सारे पलट पलट के सारे तरफ से दोनों तरफ से इसको हम सेक लेंगे। तो अब देखिए ये काफ़ी हद तक पक चुका है और थोड़ी देर हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हम इसको गैस से उतार लेंगे। तो अभी ये हमारा लगभग नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक एक करके
और जो बाकी बचा हुआ है उसको भी हम डाल के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे जब हम फ्राई कर लेंगे तो इसको हम इस सर्व करेंगे, चाहे आप इसको चाय के साथ खाएं या फिर आप इसको। तो अब देखिए ये भी तैयार हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको आप चाहे चाय के साथ खाएं या फिर आप टोमेटो सॉस के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा स्नैक्स है ये। तो इसको हम देखिए टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं, और जब इसको आप खाएंगे बनाकर तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, बिल्कुल अलग सा है ये। तो अब हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।